दोस्तों प्राइवेट कोर्स करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। प्राइवेट डिग्री पर यूजीसी की मोहर लगने की तैयारी है। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ सामने आई है इसको लेकर। प्राइवेट डिग्री पर यूजीसी मोहर लगाएगा और इसको वैलिड करेगा सही तरीके से। चलिए आपको आज की लेटेस्ट न्यूज़ दिखाते हैं। तो स्क्रीन पर आप लोग आज की लेटेस्ट न्यूज़ देखें, प्राइवेट डिग्री पर यूजीसी की मोहर की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, एक केस सामने आया था जिसके बाद से एक्शन लिया गया है। अब यूजीसी की मोहर की तैयारी है प्राइवेट कोर्सों पर। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय सहित देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्राइवेट मोड में जारी यूजी पीजी कोर्स पर यूजीसी मोहर लगाने की तैयारी में है। तो एक सीसीएस यूनिवर्सिटी ही नहीं है, इसके अलावा एमजेपी रूहेल यूनिवर्सिटी बरेली, इसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, जहाँ जहाँ पर भी प्राइवेट के कोर्स होते हैं सब पर अब यूजीसी मोहर लगाएगा, सबको वैलिडेट करेगा। ठीक है, तो क्या है कि प्राइवेट कोर्स जो यूनिवर्सिटी करा रही हैं ये यूजीसी से अप्रूव्ड नहीं है, इसी वजह से केस सामने आया था। तो अब यूजीसी इन सभी प्राइवेट कोर्सों पर मोहर लगाएगी, इनको अप्रूव्ड करेगी सभी यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, देश भर की जितनी भी यूनिवर्सिटी यहाँ पर प्राइवेट कोर्स हो रहे हैं सबको अप्रूव्ड करेगी मोहर लगाकर। यूजीसी ने अभी रेगुलर मोड को मान्यता दी है और इसके अलावा जो डिस्टेंस एजुकेशन मोड है उसको भी मान्यता दे रखी है, लेकिन प्राइवेट कोर्स अभी अधिकृत नहीं है, प्राइवेट कोर्स पर पूरी तरीके से मोहर नहीं लगी है। अब इस पर मोहर लग जाएगी, अब कोई भी दिक्कत सामने नहीं आएगी किसी प्राइवेट स्टूडेंट्स को। तो आप लोग पूरी वीडियो लास्ट तक देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा। प्राइवेट मोड में शिक्षा के लिए यूजीसी की टास्क फोर्स छात्र छात्राओं सहित विश्वविद्यालय स्तर पर अनेक बिंदुओं पर अध्ययन कर रही है। इसी क्रम में यूजीसी ने प्राइवेट विद्यार्थियों से गूगल फॉर्म से फीडबैक मांगी है। प्राइवेट छात्रों को 20 मार्च को पेपर देने के बाद गूगल फॉर्म को भरते हुए अपनी फीडबैक देनी होगी। विश्वविद्यालय ने सभी केंद्रों से पेपर के बाद प्राइवेट विद्यार्थियों से उक्त फीडबैक फॉर्म भरवाने के निर्देश दिए हैं। विश्वविद्यालय ने लिंक वेबसाइट पर शेयर किया है। तो कल आपका पेपर होगा 20 मार्च में, इसके बाद में आपको एक फीडबैक सेंड करना होगा। ठीक है, एक आपको लिंक दिया गया है गूगल पर, वो लिंक आपको कॉलेज वाले बताएंगे। ठीक है, उस पर आपको अपना फीडबैक देना होगा कि आपका पेपर किस तरह का आएगा, आपका जो एक्सपीरियंस है प्राइवेट कोर्स में वो किस तरह का आएगा, वो आपको फीडबैक देना होगा अपना। सर्वे में ये हैं प्रमुख सवाल। यूजीसी ने गूगल फॉर्म में जिन सवालों को दर्ज किया है उसमें परीक्षाओं की कठिनाइयों का स्तर, जारी प्रोग्राम के अनुभव, रेगुलर मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के स्थान पर प्राइवेट में पढ़ाई के कारण, क्या आप दूसरों को प्राइवेट शिक्षा के लिए कहेंगे, प्रमुख हैं, मतलब ये टॉपिक्स होंगे, मतलब इन पर आपको अपनी राय रखनी है कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। आगे है, प्राइवेट में पढ़ाई करने के सवालों के साथ कुछ अन्य विकल्प भी जोड़े गए हैं, जिसमें फीस कम होना, उपस्थिति की बाध्यता नहीं होना, रेगुलर में प्रवेश नहीं मिल पाना, घर के पास कोई संस्थान का नहीं होना, परिजनों द्वारा रेगुलर कोर्स में प्रवेश नहीं दिलाना, रोज़ आने जाने में दिक्कत होना, कोई जॉब करना, गृहिणी होने के चलते रेगुलर कोर्स में पढ़ाई संभव नहीं होना शामिल है। सभी सवालों में छात्रों को केवल एक विकल्प चुनते हुए फॉर्म सबमिट करना है। तो एक फॉर्म आपको मिलेगा, ये सारे क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको जो ऑप्शन सही लगे उस पर आपको टिक लगाना है। ठीक है, जिससे आपका फीडबैक जो है यूजीसी को प्राप्त हो जाएगा। उस फॉर्म में इस तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो यहाँ पर लिखे हैं। इस क्वेश्चन पर आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी, आपकी राय क्या रहेगी, वो आपको सही विकल्प चुनकर, मतलब जो आपकी राय हो उस विकल्प को चुनकर आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। आगे आप लोग ध्यान दें, टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर टिकी नजरें। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार अंतिम निर्णय टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर होगा। यूजीसी प्राइवेट मोड में विभिन्न विश्वविद्यालय में जारी पढ़ाई को व्यवस्थित करते हुए नियम बनाने पर विचार कर रही है। अभी तक विश्वविद्यालय में प्राइवेट मोड में जारी पढ़ाई पर यूजीसी का अधिकृत पक्ष नहीं है। विश्वविद्यालय अपने स्तर से प्राइवेट मोड में यूजी पीजी की डिग्री करा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार यूजीसी के प्राइवेट मोड में जारी पढ़ाई को व्यवस्थित करने से देश भर के करोड़ों विद्यार्थियों को न केवल फायदा होगा बल्कि भविष्य में पढ़ाई करने का एक अधिकृत नया माध्यम खुल जाएगा। तो टास्क फोर्स की जो रिपोर्ट होगी उस पर आप नज़र रहेंगी। टास्क फोर्स की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद में कम्प्लीट मोहर इस पर लग जाएगी। ठीक है, यूजीसी प्राइवेट मोड को कम्प्लीट अप्रूव्ड कर देगा। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटियों के अंदर। इसके अलावा अमर उजाला अखबार की खबर यह है, छात्रों से प्राइवेट कोर्सों का फीडबैक लेगा यूजीसी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी अब उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में चल रहे प्राइवेट डिग्री कोर्स को नया रूप देने की तैयारी में है। इससे प्राइवेट परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के पहली परीक्षा होने के बाद सेंटर पर ही ऑनलाइन फीडबैक लिया जाएगा। फीडबैक का अवलोकन करने के बाद यूजीसी प्राइवेट डिग्री कोर्सों को मान्यता दे सकता है। अभी
अप्रूवल नहीं दिया है यूजीसी ने, ठीक है, प्राइवेट कोर्सों को अब अप्रूवल मिल सकता है। सीसीएसयू की परीक्षाएं 20 मार्च से शुरू हो रही हैं। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम आदि पाठ्यक्रम प्राइवेट से संचालित हैं, जो विश्वविद्यालय अपने स्तर पर संचालित करते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत न सिर्फ विद्यार्थियों का नियमित क्लास में आना जरूरी है बल्कि प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम में भी शामिल होना अनिवार्य है। प्राइवेट कोर्स करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये व्यवस्था लागू नहीं होती है। इसके मद्देनज़र यूजीसी ओडीएल ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के तहत पाठ्यक्रम शुरू करने पर फोकस कर रहा है, मतलब ओडीएल जो कोर्सेज हैं वो भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे। यूजीसी इस पर भी काम कर रहा है। ओडीएल में सप्ताह में कम से कम 2 दिन ऑनलाइन क्लास में शामिल होना जरूरी है। यही नहीं, प्राइवेट डिग्री हासिल करने वाले विद्यार्थियों से सरकारी नौकरी ज्वाइन कराने से पहले यूजीसी से डिग्री मान्यता का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। विगत दिनों ऐसे कई मामले विश्वविद्यालय के सामने आए मगर विश्वविद्यालय ने ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया। तर्क दिया है कि यूजीसी की वेबसाइट पर सीसीएसयू को मान्यता मिली है, विश्वविद्यालय अपने स्तर से प्राइवेट परीक्षा कराता है, इसलिए डिग्री की मान्यता स्वाभाविक है। डिप्टी रजिस्ट्रार परीक्षा सत्य प्रकाश ने सोमवार को पत्र जारी करते हुए कहा है कि शिक्षा सत्र 2023-24 व्यक्तिगत मतलब प्राइवेट एवं संस्थागत मतलब रेगुलर पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षा एवं बैक पेपर परीक्षा 2023 की परीक्षाएँ 20 मार्च से शुरू हो रही हैं। परीक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के बाद गूगल फॉर्म लिंक, ये आपको एक लिंक भी दिया गया है, पर प्राइवेट परीक्षाओं से संबंधित सूचनाएं भरवाई जाएंगी। मतलब एक लिंक भी आपको यहां पर दे दिया गया है, इस पर आपको ऑनलाइन एक फीडबैक देना होगा। विश्वविद्यालय के जानकारों का कहना है कि प्राइवेट डिग्री पाठ्यक्रम में यूजीसी बदलाव करेगा, कुछ ना कुछ जरूर बदलाव किया जाएगा, ठीक है। थोड़ा आप लोग और नीचे पर देखें, विद्यार्थियों से फीडबैक लिया जाएगा कि प्राइवेट डिग्री कोर्स चलाना अनिवार्य क्यों है, यदि ऑनलाइन क्लास लगवाई जाए तो क्या असर पड़ेगा, यह आदि पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपको अपना फीडबैक देना है 20 मार्च जब आपका पेपर हो जाएगा पहला पेपर, उसके बाद में ये आपको ऑनलाइन फीडबैक देना है। गूगल पर एक आपको लिंक दिया जाएगा, इस लिंक के माध्यम से आपको अपना फीडबैक शेयर करना है। तो देखिए, यूजीसी ने अभी भी प्राइवेट कोर्सों को अप्रूव्ड नहीं किया है, ठीक है, तभी इसीलिए ऐसे केस आए दिन आ रहे हैं, कई केस ऐसे यूनिवर्सिटी के सामने आ चुके हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी ने इस पर एक्शन लिया है। अब जो फीडबैक आप लोग देंगे उस फीडबैक के माध्यम से एक आपकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, टास्क फोर्स की वो रिपोर्ट होगी, ठीक है, उस रिपोर्ट के बाद में ही मोहर वगैरह लगाई जाएगी, ठीक है। तो आपको अपना फीडबैक शेयर कर देना है कल 20 तारीख का जो आपका पेपर है उसके बाद में, बाकी आपके कॉलेज में आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लें, जो आपको सही लगे वो ऑप्शन आप लोग फिल कर देना और अपना फीडबैक शेयर कर देना ऑनलाइन गूगल पर। बाकी इस वीडियो को आप लोग लाइक करके अपने सभी उन दोस्तों को शेयर कर दें जो भी प्राइवेट पेपर दे रहे हैं, ठीक है, जिनका भी पेपर है उन सबको ये वीडियो शेयर कर दें, जिनका पेपर नहीं है कल उनको भी वीडियो शेयर जरूर कर दें, ठीक है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दें, सबको पता चल जाना चाहिए। इसके अलावा आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी अपडेट आगे रहेगी आपको हम कम्प्लीट जानकारी प्रोवाइड करा देंगे, और टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके लगातार चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।